हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? हम 18th सेंचुरी कर रहे थे। 18th सेंचुरी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट हाफ है वो तो है पोप का, एंड सेकेंड हाफ किसका है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। मतलब इन राइटर्स के नाम से ही इन एजेस को जाना जाता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स थे। तो 18th सेंचुरी का जो सेकंड हाफ है उसके रिप्रेजेंटेटिव राइटर कौन थे? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का लाइफ स्पैन रहा है फ्रॉम 1709 टू 1784। ये पोइट रहे हैं, एसेइस्ट रहे हैं, खूब सारे सटायर्स भी इन्होंने लिखे हैं, तो ये एक सटायरिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने विग्स एंड टोरीज किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया? ही वॉज कमिटेड टू टोरी पार्टी। टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, राइट? विग्स एंड टोरीज। तो इन्होंने टोरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया था। इनको एक सिंड्रोम भी था, जिसे कहा जाता है टूअरनेट। ये एक डिजीज का नाम है। इसकी वजह से ये लेफ्ट आई से ब्लाइंड हो गए थे। इनको बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल हेजी दिखता था लेफ्ट आई से, सिर्फ इस सिंड्रोम की वजह से। एंड इस सिंड्रोम की वजह से इनकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस में क्या लिखा गया है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज द सेकेंड मोस्ट कोटेड इंग्लिशमैन। ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के लिए। किसमें? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस में कहा गया है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ऐसे मैन ऑफ लेटर्स थे जिन्होंने सेकंड मोस्ट कोटेशंस दिया। मतलब पूरे इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में सेकंड मोस्ट कोटेशंस किसने प्रोवाइड की हैं? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट कौन है? फिर यहाँ पर अगर हम सेकंड पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है विलियम शेक्सपियर। फाइन, चलिए नेक्स्ट। ये एक मैगजीन थी, द जेंटलमैन्स मैगजीन। वैसे तो ये मैगजीन टर्म बाद में यूज हुई, पहले ना ये एक पीरियोडिकल थी, द जेंटलमैन। और ये पहली ऐसी पीरियोडिकल थी जिसके लिए मैगजीन टर्म यूज हुआ था। याद रखना ये बात, ये पहली ऐसी पीरियोडिकल थी द जेंटलमैन जिसके लिए मैगजीन टर्म यूज किया गया था। द जेंटलमैन्स मैगजीन में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने रेगुलरली काम किया। रेगुलरली काम किया का मतलब क्या है? ये सैलरी बेसिस पर थे। यहाँ पर इन्होंने पहले तो देखो, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? इन्होंने खूब सारी ट्रांसलेशन की थी, लेकिन ट्रांसलेशंस की वजह से इनके पास इतना पैसा होता नहीं था, और इनको ऑब्वियसली अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए पैसा तो चाहिए था। तो इन्होंने यहाँ पर रेगुलर सैलरी पर काम किया था। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस मैगजीन में काम किया था। ये जो मैगजीन है, इट वॉज फाउंडेड बाय हूम, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने फाइंड आउट नहीं की थी, बल्कि ये मैगजीन फाइंड आउट की थी एडवर्ड केव ने। इट वॉज फाउंडेड बाय एडवर्ड केव। मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। इट वॉज फाउंडेड बाय एडवर्ड केव। और कब फाइंड आउट की थी ये? 1731 में। इस मैगजीन को फाइंड आउट किया था 1731 में बाय एडवर्ड केव, राइट? इसमें इन्होंने सैलरी बेसिस पर काम किया है, ओके? तो 1731 में ये फाइंड आउट की। इट रैन फॉर ऑलमोस्ट 200 इयर्स। ये जो मैगजीन थी ये लगभग 200 इयर्स तक पब्लिश होती गई। सो समवट लाइक 1922 तक ये पब्लिश होती गई, ठीक है? ये जो मैगजीन थी, इट वॉज फाउंडेड इन 1731 एंड देन ये 1922 तक पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है, इन्होंने एक प्ले लिखा था आयरीन करके।
वैसे तो इन्होंने लिखा था 1726 में, बट इसे परफॉर्म इन्होंने कुछ 1759 में करवाया था, ठीक है। तो इन्होंने इसे परफॉर्म कराया 1759 में, पर ये वर्क आयरीन जो था ये एक ट्रेजेडी इनकी थी लिखी हुई, और 1726 में इन्होंने इस पर काम करना शुरू करा था। अब जब ये वर्क आया उस टाइम पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने खुद कहा था कि ये वर्क एक फेलियर है, इस वर्क को खुद ही इन्होंने फेलियर बताया। लेकिन आयरनी देखिए कि ये जो वर्क था इसकी वजह से इन्हें बहुत प्रॉफिट मिला था, काफ़ी प्रॉफिटेबल वर्क था, इनके पास पैसा आने लग गया था इस वर्क की वजह से। नेक्स्ट इन्होंने एक ट्रांसलेशन की 1731 में, ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेशन की किस वर्क की, मसीहा। मसीहा वर्क किसका था, एक्चुअली ये वर्क जो था ये था अलेक्जेंडर पोप का, अलेक्जेंडर पोप का वर्क था मसीहा। तो इस वर्क की ट्रांसलेशन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने की थी इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप के इस वर्क की इन्होंने ट्रांसलेशन की लैटिन लैंग्वेज में। अलेक्जेंडर पोप को इनका ये ट्रांसलेशन बहुत पसंद आया था, अलेक्जेंडर पोप ने इनको खूब प्रेज किया था आफ्टर दिस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट इनका वर्क आया द हिस्ट्री ऑफ रेसिलस, द हिस्ट्री ऑफ रेसिलस, और इसका पूरा टाइटल जो है वो है द हिस्ट्री ऑफ रेसिलस अ वॉयज टू एबिसिनिया, और ये वर्क इनका आया था 1735 में। द हिस्ट्री ऑफ रेसिलस, वैसे तो आप ये रेसिलस भी वर्ड याद कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वर्क डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है, क्योंकि इस छोटे से टाइटल से भी इस वर्क को जाना जाता है। रेसिलस कौन थे, एक्चुअली ये फोर्थ सन थे किसके, एबिसिनिया के एक पावरफुल एम्परर थे, एक पावरफुल राजा थे, उनके फोर्थ सन थे रेसिलस, राइट। नेक्स्ट इन्होंने एक पोम लिखी लंदन, ये जो पोम थी इनकी काफ़ी लॉन्ग पोम थी, ये लगभग इसमें इन्होंने 236 लाइंस को इंक्लूड किया, और इन्होंने जुविनल जो रोमन पोइट थे उनके थर्ड सटायर को इन्होंने इमिटेट किया, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये जो पोम है लंदन, काफ़ी फेमस वर्क ये इनका था, 1738 में ये पोम इनकी आई, और इसमें इन्होंने लगभग 236 लाइंस की ये पोम लिखी है। इसमें इन्होंने जुविनल जो रोमन पोइट थे उनके थर्ड सटायर को इन्होंने इमिटेट किया है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये वर्क था लंदन, ये वर्क इन्होंने एनोनिमसली पब्लिश किया, ठीक है, और फिर जब ये वर्क खूब फेमस हो गया, अब लोगों को इसका ऑथर पता करना था, तो इसका ऑथर पता लगा लगभग 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स इसके ऑथर का पता चला था, ठीक है। लंदन जो पोएम है इन्होंने एनोनिमसली पब्लिश की, आफ्टर 15 ईयर्स पता चला कि ये वर्क तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है। इन्होंने ये पोएम किस चीज पर, किस बेस पर लिखी, एक्चुअल में इन्होंने जो ये पोएम लिखी थी इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है थेल्स, ठीक है, मेन कैरेक्टर का नाम है थेल्स। ये जो बंदा है ये लंदन छोड़कर, ही इज लिविंग लंदन, एंड कहाँ पर मूव कर रहा है, नाउ ही इज मूविंग टू वेल्स, और वेल्स क्या है, ये एक रूरल एरिया है, या फिर ये कह लो ये एक कंट्री साइड है। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो कहने का मतलब है शहर छोड़कर गांव में जाना, जैसे हम भी कहते हैं ना कि गांव की हवा कितनी शुद्ध होती है, मतलब गांव का रहना खाना पीना कितना शुद्ध होता है, तो ऐसे ही इन्होंने कहा, जो इसमें मेन कैरेक्टर है वो है थेल्स, तो इन्होंने इसमें दिखाया है कि जो थेल्स है वो लंदन सिटी को छोड़ रहा है, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ टॉक्सिक और पॉइजनस सिटी, और नाउ ही इज मूविंग टू अ कंट्री साइड और अ रूरल एरिया विच इज कॉल्ड वेल्स, ठीक है। तो इस पर ये बेसिस है, बेस्ड है ये पोएम, और इन्होंने इस पोएम को जब लिखा था, जब
जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लंदन शिफ्ट कर गए थे तब इन्होंने इस पोएम को लिखा था। नेक्स्ट इनका वर्क लाइफ ऑफ मिस्टर रिचार्ड सैवेज, ये इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, बट रिचार्ड सैवेज की डेथ हो गई थी, ही डाइड इन 1743 और इसी वजह से इन्होंने अपने फ्रेंड रिचार्ड सैवेज पर ये वर्क लिखा था लाइफ ऑफ मिस्टर रिचार्ड सैवेज। और बाद में ये वर्क इन्होंने द लाइव्स ऑफ पोइट्स में इंक्लूड कर लिया था, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। द लाइव्स ऑफ पोइट्स ये डॉक्टर सैमुअल रिचार्डसन का वर्क है जिसमें इन्होंने 52 बायोग्राफीज लिखी हैं अदर अलग अलग राइटर्स की, तो उसमें इन्होंने इनकी बायोग्राफी को भी इंक्लूड किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब करती हूँ, फिर दोबारा जो इनके वर्क हैं वो देखते हैं। अब इनके अदर वर्क देखते हैं, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। वैनिटी का मतलब क्या होता है? प्राइड। तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं? ये इस वर्क में कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो एक झूठी प्राइड में जीते हैं, एक झूठे घमंड में वो जीते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं आज के टाइम पर उनका कोई गुरु नहीं है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है, तो ये मिसगाइड हो गए हैं। इनकी डिज़ायर्स ख़त्म ही नहीं होती, इनको और अमीर बनना है, खूब सारा पैसा लेना है। तो इन्होंने कहा इसमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कि लोगों के डिज़ायर्स जो हैं वो इतनी हो जाती हैं, जब वो डिज़ायर्स पूरी नहीं होती तो लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस पोएम में ये बताते हैं कि लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो क्रिश्चियन वैल्यूज़ को सीखना होगा। तो यहाँ पर फिर ये भगवान की बात करते हैं। और इसमें इन्होंने जुविनल के 10th सेटायर को इमिटेट किया है। इन्होंने दो पीरियोडिकल में काम किया, द रैम्बलर द आइडलर, ये किसकी हैं? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की हैं। द रैम्बलर 1750 से 1752 तक आई, ये पब्लिश हुई इतने टाइम पीरियड तक, इसमें 208 आर्टिकल्स थे और ये सैटरडेज एंड ट्यूसडेज ट्वाइस इन अ वीक ये पब्लिश होती थी। और इसमें इन्होंने पॉलिटिक्स की बात की है, सोसाइटी की बात की है, रिलीजन की बात की है, मोरालिटी के बारे में बात की है, लिटरेचर की बात की है। और इसमें जो इनके अदर कंट्रीब्यूटर थे वो थे एक तो रिचार्डसन, मिसेस कैपोन, कैथरीन टेलबोट, ठीक है। इसके बाद द आइडलर की बात करते हैं। द आइडलर 1758 में ये आया था और इस पीरियोडिकल को लगभग 1758 से 1760 तक इसे पब्लिश किया गया फॉर 2 ईयर्स एंड ये एवरी वीक पब्लिश होती थी। किसमें? यूनिवर्सल क्रॉनिकल में। ये एक न्यूज़पेपर था, ये एक वीकली गैजेट था जिसमें ये द आइडलर पब्लिश होकर आती थी। इसमें 103 एसेज लिखे गए हैं जिसमें से सैमुअल जॉनसन ने लगभग 12 लिखे हैं। और इसमें जो अदर कंट्रीब्यूटर हैं इस आइडलर में वो हैं थॉमस वॉल्टन, बेनेट लैंगटॉन एंड जोशुआ रेनॉल्ड्स। तो ये जो अदर कंट्रीब्यूटर्स हैं आपको इनके भी नाम याद रखने हैं। और पीरियोडिकल्स में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो इनको तो आपने बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर ही लेना है। इन्होंने 1755 में एक डिक्शनरी भी लिखी थी, मैं इसको रब करती हूँ फिर इसके बारे में बात करते हैं, एक सेकेंड। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के जो फर्दर वर्क्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो वन बाय वन इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट इनका जो वर्क आया 1755 में, इन्होंने एक डिक्शनरी लिखी, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें इन्होंने कुछ ग्रामर रूल्स लिखे। और जब ये वर्क लिख रहे थे, ये डिक्शनरी लिख रहे थे, इनको लगा कि ये डिक्शनरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और इसमें इसको बहुत शॉर्टर फॉर्म में इसको कंपाइल करने की ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस डिक्शनरी को लिखना शुरू किया तो इसके लगभग 10 पेजेस के
प्रेफिस बन गए, जिसकी वजह से इन्हें अंदाजा हो गया था कि ये काफी लॉन्ग वर्क होने वाला है, तो इसीलिए इन्होंने इसको 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, इसको इन्होंने फिर 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड करके लिखा था और लगभग इस वर्क को कंप्लीट होने में 9 ईयर्स लग गए थे एंड 40,000 वर्ड्स इसमें इन्होंने इंक्लूड किए हैं। राइट, नेक्स्ट इनका वर्क द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। इन्होंने क्या करा कि विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज थे उन्हें एडिट करके फिर कंपाइल किया और ये वर्क इन्होंने लिखा था। इन्होंने कहा कि जो पहले एडिटर्स थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के वर्क को एडिट किया था, उन्होंने बहुत पुअर तरीके से एडिट किया था, तो इसीलिए इन्होंने क्या लिखा, फिर नेक्स्ट वर्क लिखा द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, जिसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्लेज को एडिट किया एंड कंपाइल किया और ये वर्क आया इनका 1765 में। नेक्स्ट इनका वर्क था अ जर्नी टू द वेस्टर्न आइल ऑफ स्कॉटलैंड। ये वर्क इनका 1765 में आया था। इनके एक फ्रेंड थे, बहुत यंगर फ्रेंड थे, जिनका नाम था जेम्स बोसवेल। ये लगभग 31 ईयर्स के थे जेम्स बोसवेल, और जॉनसन इनसे 20 साल उम्र में बड़े थे और इससे भी शायद और बड़े थे, काफ़ी एज गैप था इनके बीच में, और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। जेम्स बोसवेल लंदन आए और फिर कुछ टाइम बाद जेम्स बोसवेल अपने होम चले गए स्कॉटलैंड में इनका होम टाउन था। तो जेम्स बोसवेल जब स्कॉटलैंड चले जाते हैं तो फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी स्कॉटलैंड चले जाते हैं अपने दोस्त को देखने के लिए, जेम्स बोसवेल को, तब ये वर्क लिखते हैं अ जर्नी टू द वेस्टर्न आइल ऑफ स्कॉटलैंड। राइट, नेक्स्ट इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई, ये बायोग्राफी थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पर, और ये 1791 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। और ये बायोग्राफी किसने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये, और किसने लिखी ये बायोग्राफी, इनके फ्रेंड जेम्स बोसवेल ने। नेक्स्ट यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, द लाइव्स ऑफ द पोइट्स। इसमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 52 बायोग्राफीज लिखी हैं अलग अलग राइटर की। ठीक है, 52 बायोग्राफीज लिखी हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि किन मेजर या किन माइटर राइटर्स पर इन्होंने ये जो मेजर और माइनर राइटर हैं इन्होंने इस बायोग्राफी में इंक्लूड किए हैं। तो आपको मेजर राइटर भी पता होने चाहिए, माइनर राइटर भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो जो मेजर राइटर्स इन्होंने इस 52 बायोग्राफीज में इंक्लूड किए, मेजर राइटर्स थे अब्राहम काउले, नेक्स्ट जोसेफ एडिसन, नेक्स्ट वन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप। तो इन्होंने इन मेजर राइटर्स को इसमें इंक्लूड किया था, अब्राहम काउले और एक मिल्टन को भी इन्होंने इंक्लूड किया। तो ये देखो, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन आ सकता है द लाइव्स ऑफ द पोइट्स। एक तो इसमें इन्होंने कितनी बायोग्राफीज इंक्लूड की, 52 बायोग्राफीज। इसमें मेजर राइटर कौन थे जिसको इन्होंने इंक्लूड किया, तो किस किस की बायोग्राफी इन्होंने लिखी, मेजर राइटर्स जो थे अब्राहम काउले, एडिसन, ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन मिल्टन। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कौन माइनर राइटर थे जिनको इन्होंने इस बायोग्राफीज में इंक्लूड किया। तो माइनर राइटर भी आपको पता होने चाहिए, माइनर राइटर थे जो माइनर पोइट्स थे एक्चुअली, वो थे कॉलिंस, विलियम कॉलिंस एंड सेकंड वन विलियम शेनस्टोन। ठीक है, ये माइनर राइटर्स थे दो जिनकी लाइव्स इन्होंने लिखी थी, जिस पर इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी। अब एक चीज और,
ये जो राइटर्स थे इन सभी को ये लाइक नहीं करते थे। इसमें कुछ ऐसे पोइट्स भी थे जिनको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, फिर भी उनकी बायोग्राफीज इन्होंने लिखी हैं। जैसे कि ये मिल्टन को पसंद नहीं करते थे उतना, ये मिल्टन को डिसलाइक करते थे, तो इन्होंने मिल्टन पर एंड अब्राहम कावले को भी उतना पसंद नहीं करते थे, इन पर इन्होंने बायोग्राफीज लिखी हैं। एक चीज और, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल वर्ड की जो बात की है वो कहाँ पर की है, मतलब उन्हें मेटाफिजिकल जो पॉइंट का डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा था ना, तो किस वर्क में कहा था। अब्राहम कावले की जब इन्होंने लाइव्स लिखी थी, द लाइव्स ऑफ अब्राहम कावले, इसमें इन्होंने मेटाफिजिकल वर्ड की बात की थी और अब्राहम कावले मेटाफिजिकल पोइट्री के लास्ट रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, राइट। इसी के साथ साथ यहां पर और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, एक चीज और, इसमें जो ये थे माइनर राइटर कॉलिंस, ये कॉलिंस को ना तो नफरत करते थे उनसे, ना ही बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको ये क्रिटिसाइज करते थे। तो कॉलिंस को ये कहीं ना कहीं एज अ इंसान, एज अ पोइट उनको पसंद करते थे, लेकिन उनके राइटिंग स्टाइल को ये क्रिटिसाइज करते थे। तो इस तरीके के थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और उन्होंने इसमें, इस वर्क में 52 बायोग्राफीज को इंक्लूड किया है। और आपको सारे नाम नहीं पता होने चाहिए, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बस जो मैंने अभी बताया वो आप कर लेना, ठीक है। इसी के साथ हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं। कल हम नए राइटर के साथ मिलेंगे नई वीडियो में। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।